अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। गवर्नमेंट सिंध की जानिब से डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पूरा सूबा सिंध से मर्द और खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया, कौन सी वैकेंसीज हैं, तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, ताकि डेली बेसिस पे अनाउंस होने वाली जॉब्स की वीडियोस के हवाले से आप लोग अपडेटेड रह सकें। मैं हूं सैयद फरहान अहमद जैदी और आप लोग देख रहे हैं सोशल सर्कल। दोस्तों, गवर्नमेंट सिंध की जानब से पब्लिश होने वाला एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सबसे पहले वैकेंसी सब अकाउंटेंट की ग्रेड है, इसका BS 14 ट्रेजरी एंड अकाउंट सर्विसेज सिंध की वैकेंसी है। ये सीट 4 कोटों के अंदर डिवाइड की गई है। ओपन मेरिट जिस पर मर्द खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वुमन कोटा अलग से है, अकेलती कोटा माजूद अफराद का कोटा है। ओपन मेरिट पर 114 असामियाँ हैं, वुमन कोटे पर 23 असामियाँ हैं, अकेलती कोटे पर 8 जबकि माजूद अफराद के कोटे पर 8 असामी हैं। टोटल 153 असामी हैं जो कि सिंध रूरल और सिंध अर्बन के अंदर डिवाइड की गई हैं। 18 से 28 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कम सेकंड डिवीजन में BCOM, BBA फाइनेंस, BS अकाउंटिंग फाइनेंस के बराबर एजुकेशन होना जरूरी है। साथ साथ आपके पास सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से तस्लीम शुदा MS ऑफिस 6 माह की ट्रेनिंग होना लाजमी है। नंबर 2 पे वैकेंसी ऑडिटर ग्रेड BS 14 डायरेक्टरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट की वैकेंसी है। इसके अंदर भी ओपन मेरिट पर मर्द और खवातीन, वुमेंस कोटा, अकेलती कोटा, माजूर अफराद का कोटा शामिल है। 29 असामियाँ मर्द और खवातीन ओपन मेरिट पे हैं, 6 असामियाँ वुमेन कोटे पे हैं, अकेलती कोटे पे 2 जबकि माजूर अफराद के कोटे पे 2 असामियाँ हैं। टोटल मिला के ये 39 सीट्स हैं जिनको सिंध अर्बन और सिंध रूरल में डिवाइड किया गया है। 18 से 28 साल तक के मर्द और खवातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड डिवीजन के साथ HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होना लाजमी है। अनाउंस होने वाली वैकेंसीज के अंदर आपको 15 साल जनरल रियायत दी जाएगी, तो 18 से 43 साल तक के मर्द और खवातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास सूबा सिंध का डोमिसाइल के साथ साथ IBA सखा टेस्टिंग पास करना होना लाजमी है। जिन दोस्तों ने ग्रेजुएशन कैटेगरी का IBA सखा का टेस्ट पास किया हुआ, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि भी आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ, सेक्शन अफसर ट्रेजरी कमरा नंबर 158 छठी मंजिल फाइनेंस कॉम्प्लेक्स AK लोधी ब्लॉक सिंध सेक्रेटरीट कराची में भेज देना है। ये इसका फॉर्म है जो कि आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये मैंने अपने फेसबुक पेज सोशल सर्कल पर अपलोड कर दिया है। मैं आपको अपना पेज दिखा देता हूँ, ये मेरा पेज है। इस पर आप जाएंगे तो सबसे ऊपर ये अपलोड हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉर्म, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप पहले से सरकारी मुलाजिम है तो NOC लेके अप्लाई कीजिएगा। अगर आप माजूर अफराद के कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं तो माजूरी का सर्टिफिकेट लगाना लाजमी है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लाजमी अटैच करनी है, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कंप्लीट वीडियो सिंध डायरेक्टरेट ऑफ लोकल ऑडिट फंड में आने वाली जॉब्स के हवाले से। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।